शुक्रवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ रमेश सिंह ने कांग्रेस नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने वो सुनिए। हरियाणा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसका नाम दिया संकल्प पत्र। उनके संकल्प पत्र में साफ है कि इस बार कांग्रेस की अगर सरकार आई तो जनता माला माल, और अगर किसी को बदहाली की जरूरत पड़ेगी शायद वो सत्ताधारी पार्टी। इस बात करें मैडम, आपके घोषणा पत्र में तो जनता माला माल है, हर तरीके से हर जगह पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, इवन की पत्रकारों तक को भी आपने पैसे देने की बात की। कैसे तैयार किया मैनिफेस्टो और क्या सोच है इसके? ये मैनिफेस्टो बड़ी मेहनत के साथ तैयार करा है जी मैंने, और पिछले 5 साल को नज़र को देखते हुए जो हर वर्ग जिस तरह से त्रस्त है आज हरियाणा के अंदर, महिलाएं, कर्मचारी, हमारे युवक, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई, हमारे बेरोज़गार बच्चे, हमारा मजदूर, हमारे SC ST बैकवर्ड, हर एक वर्ग जो है, ये पिछले 5 साल में आपने देखा कि ये सरकार ने वो हालात करे हैं इनके कि वो बिल्कुल कहीं के नहीं छोड़े। फजूल खर्ची सरकार ने इतनी करी, जहाँ पर 4 आदमियों को राहत दे सकते थे वो इन्होंने करा नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और आप जानते हो मैं पूरे हरियाणा चप्पा चप्पा छाना हुआ है, मैं जानती हूँ समस्याओं को। हज़ारों लोगों ने अपने सुझाव भी भेजे मेरे पास और संस्थाओं ने भेजे, तो सबका निचोड़ निकाल के कि हरियाणा के अंदर कैसे हम एक खुशहाल हरियाणा को बना पाएं और दोबारा से एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हम हर एक वर्ग को दें, ताकि हरियाणा जो है जिस दर दर के अंदर वो कहते हैं ना भटक गया, पूरी तरह से BJP ने खत्म कर दिया है, उसको दोबारा से एक खुशहाल हरियाणा जो है हम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि दरअसल हरियाणा कांग्रेस में इस बार का जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अगर आपने कांग्रेस को चुना तो आप माला माल होंगे। जाहिर तौर पर महिलाओं को भी फोकस रखते हुए उनको 50% आरक्षण के साथ कई प्रकार की और रियायतें देने के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इनके घोषणा पत्रों को कितना स्वीकार करती है और इसको चुनावी रूप में कितना ले पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV चंडीगढ़।